इसीलिए आपकी जिंदगी में भी रोड़ा बहुत आएंगे। मैं सेटिंग व्हाट्सएप चैटिंग न जाने क्या क्या बन करके, लेकिन हनुमान जी जैसे नहीं रुके जब तक जानकी जी की खबर नहीं ले आए, वैसे ही आप लोग मत रुकना जब तक आप अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित ना कर दो। और लास्ट बात, बेटा और बेटी वो नहीं है जिसे बाप के नाम से जाना जाए, या शिष्य वो नहीं है जिसे गुरु के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी वो महान है उनके नाम से उनके माता पिता को जाना जाए। आप लोग ऐसे बनो, आगे बढ़ो। जैसे हमसे कई लोग हम मिलते हैं तो कहते हैं विवेक बिंद्रा जी आपके बहुत प्रिय हैं, तो हमें बताने में बहुत गौरव होता है। यस, इतना बड़ा बनो। अभी हम जा रहे थे तो बोले अरे ये वही है जो विवेक बिंद्रा जी के साथ गुरु जी थे, ये बागेश्वर बाबा हैं। तो हमको ऐसे शिष्य की आवश्यकता है जिसके नाम से गुरु को जाना जाए, ऐसे पुत्र पुत्री होना है हम आपको कि हमारे नाम से आपके माता पिता किसी गली से निकलें, लोग कहें ये अमुक बेटा का बाप है, अमुक व्यक्ति का पिता जा रहा है। ऐसे महान बनने के लिए हनुमान जी की शरण पकड़ो, प्रसन्न रहो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। लेकिन एक दिक्कत भी है, जय, एक दिक्कत भी है, पूछो क्या। आदमी गुरु की तो मानता नहीं पर गधा की मान लेता है। एक बार एक चेला है हमारा चंगीलाल, हमारे पास आया, हमको और चंगीलाल सुनाओ। बोला गुरु जी और सब ठीक है, आज गुरु पूर्णिमा है, प्रणाम करने आए। हमका खुश रहो, अब ये नहीं बताएंगे।